सेंट्रल स्टेट रिलेशन का तीन भाग होता है। एक भाग होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा भाग होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और तीसरा भाग होता है फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन में एक हिसाब होता है फाइनेंस कमीशन। अब ये फाइनेंस कमीशन में चेयरपर्सन कैसे उसका हिसाब मिलता है, यानी कैसे उसका पद पाया जाता है, उसके लिए हम लोग तीन पार्ट पढ़ेंगे। नंबर वन है, देखो कैसे चेयरपर्सन अपना पद पाएगा, उसके लिए तीन जगह से मेंबर्स आएगा। नंबर वन जो मेंबर्स आएगा वो है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो आज के डेट में कौन है, निर्मला सीतारमन। नंबर टू जो आएगा वो है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज रिवेन्यू फाइनेंस, यानी कि यूनियन से और एक मिनिस्टर आएगा जो क्या हो सकता है, रिवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। और तीसरा जो रहेगा वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और अगर स्टेट में कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है उस टाइम तो एनी अदर मिनिस्टर कोई भी आ सकता है। इस हिसाब से अभी क्या होगा, वोटिंग होगा। अब वोटिंग का जो परसेंटेज होगा वो लक्ष्मीकांत में दिया नहीं है। अभी स्टूडेंट को क्या होता है कि दिक्कत होता है कैसे ये वोट कास्ट होगा और कैसे ये सिलेक्शन होने के बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर का पद में चेयरपर्सन आ सकेगा। देखो मेन बात है कि एक चेयरपर्सन होगा, अब ये चेयरपर्सन ऑलवेज क्या होगा, यूनियन से बैठेगा। उसके बाद क्या होगा, नंबर एक चला गया, नंबर दो रह गया यूनियन मिनिस्टर, दूसरा कोई फाइनेंस रिवेन्यू मिनिस्टर आ सकता है। नंबर थ्री रहेगा, अब स्टेट से कोई एक स्टेट मिनिस्टर आएगा। अब देखिए इतना सारा स्टेट में से सब स्टेट से स्टेट मिनिस्टर आएगा। अब मान लीजिए बहुत सारा स्टेट मिनिस्टर आ गया, कुल मिला के मान लीजिए स्टेट मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर मिला के 20 हो गया मेंबर। कितना मेंबर, 20 मेंबर। अभी चेयरपर्सन में कौन है, एक मेंबर, यानी कुल मिला के 21 मेंबर्स हो चुका है। अभी देखिए अगर वोट होगा, वन यूनिट वन वोट इक्वल अगर होगा तो शायद ये चेयरपर्सन को वोट ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी स्टेट मेजोरिटी ज्यादा है। अभी क्या होता है, अकेला चेयरपर्सन को 33% का हिसाब मिलता है और बाकी जो 20 आदमी है इसको हम लोग मिलेंगे कुल मिला के रेस्ट 66%, यानी चेयरपर्सन का एक वोट इक्वल 33%, रेस्ट वोट का 66% हिसाब रहेगा। अभी कुल मिला के यहाँ जितना प्रेजेंट है सदस्य उसका 50% प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए 20+1 21% नॉमिनेट है, 21 का हाफ यानी 10.5% प्रेजेंट होना चाहिए। अभी देखिए 10% अगर प्रेजेंट हुआ तो ये वोट नहीं होगा, यानी कि मिनिमम 11% का प्रेजेंट होना चाहिए। अभी 11% का प्रेजेंट होगा और अगर चेयरपर्सन का हिसाब से स्टेट से अगर ये जो फाइनेंस मिनिस्टर वो दाखिलत लेगा उसका 75% वोट मिलना चाहिए। अभी इनको 75% वोट मिलना चाहिए, लेकिन चेयरपर्सन को अकेला मिल गया था 33% और बाकी रह गया 75 से 33 निकल गया, यानी बाकी रह गया 42%। अब 20% में से सिर्फ 42% चाहिए इनको अपना सीट के लिए। अब देखिए 100 में 42, 20 में कितना वोट, 100 में उसको मिल गया 42, अगर मिल गया तो वो चेयरपर्सन बन गया। और 20 में कितना बनेगा, जीरो ओमिट कर दिए, 84/10 दैट मीन्स 8.4, यानी कि अगर 8 वोट मिल चुका होगा 20 में से तब जाके वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको 8.4 दैट मीन्स 9 वोट मिनिमम चाहिए, क्यों, ये पद के लिए। यही है वोट का सिस्टम, कैसे चेयरपर्सन के हिसाब से कैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस कमीशन में जाके चेयरपर्सन का पद ले पाएगा।